नमस्कार दोस्तों, रंजित तंजोर आर्ट में आपका स्वागत है। और ये मेरे चार स्केच तैयार हो चुके हैं। फर्स्ट स्केच था जिसमें कि यज्ञ कर रहे हैं, दशरथ जी यज्ञ करवाने हैं संतान उत्पत्ति के लिए, और फिर इसमें दूसरे में चारों राजकुमार का जन्म हुआ, तीसरे में काकभूषण जी जो रोटी लेके राम जी की चले जाते हैं, और उस प्रसंग के बारे में मैंने बताए है। अब वाल्मीकि ऋषि की यहाँ पर आश्रम में शिक्षा दीक्षा हो रही है। इसमें चारों राजकुमार के साथ और भी स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बता रहे हैं, ज्ञान सिखा रहे हैं वाल्मीकि जी। और सबसे पहले उनको वाल्मीकि जी ने ही शिक्षा दी थी, उसके बाद में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी और सबने उनको, और बहुत सारे ऋषि मुनि उनको अपने जीवन काल में राम जी के जीवन में मिले हैं। तो मैंने जो भी स्केच कर रहा हूँ, जो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, न मैं कहीं से देख रहा हूँ, न कुछ है, कुछ बस दिमाग में आइडिया हो लग रहा है जैसे जैसे मैं स्केच करता जा रहा हूँ। तो हमारे ये चार स्केच तैयार हो चुके हैं, तो यहाँ मेरे से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आगे से आगे जो स्केच तैयार होते जाएंगे वो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ये बीच में लाइन होगी, अलग अलग खंड बन जाएंगे इनके, तो 108 पेंटिंग बनना है, टोटल 108 बनना है। और ये स्केच फाइनल नहीं है, मतलब जैसे कि इसमें अगर कुछ गलती होगी तो उसको सुधारेंगे हम। सबसे पहले तो पेंसिल से स्केच हुआ है, जो पेंसिल के कहीं ना कहीं आउटलाइन दिख ही रही होगी, फिर ऑरेंज से हुआ है, फिर ब्लैक से आउटलाइन की है। इसके बाद जब कलरिंग होगी, जो कलर की फिनिशिंग होगी, तो कोई भी किसी प्रकार की गलती होगी वो दूर कर ली जाएगी। जैसे कि किसी का हाथ बड़ा है, किसी का चेहरा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सब डिटेल सब बाद में दी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग कनेक्टेड रहिए, ये चौथा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर मेरे वीडियो में पहली बार देख रहे हैं आप, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कि संपूर्ण रामायण बना रहा है और वो इस लाभ से वंचित ना रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद।